ओके, इज इट अलाउड? इंटरफेस एक्सटेंड्स क्लास, चलेगा क्या? फॉल्स, नो, राइट? बिकॉज इंटरफेस क्या करता है? इंप्लीमेंट्स करते हैं हम आगे क्लास को, राइट? तो वो नहीं चलने वाला, फाइन। सुना? नेक्स्ट। नहीं, अभी दो तीन ही बाकी है। ओके, इंप्लीमेंट देखें, इंटरफेस एक्सटेंड क्लास किया, इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस करके देखते। ये चलेगा? क्या लगता है? यानी कि इंटरफेस एक्सटेंड्स, ओके, इंटरफेस है मेरे पास और ये इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है, ओके, इंटरफेस। हाँ, कोई तो आंसर बताया। फॉल्स। ओके ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ट्रू, मानसी सिंह, ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस वन एक्सटेंड्स इंटरफेस टू, आया क्या एरर? नो एरर्स, राइट? इंटरव्यू में हमने बता दिया, नो, वी कांट एक्सटेंड द इंटरफेस विद अनदर इंटरफेस। वो बोलेगा क्यों नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे तो सिर्फ अबस्ट्रैक्ट मेथड से आपके। तो क्या कर रहा है? एक्सटेंड्स कर रहा है उसके फीचर्स। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि इंटरफेस वन में अगर एम टू है, ओके, और इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस टू में एम टू है और इंटरफेस वन में एम वन है, तो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसमें दोनों मेथड्स आएंगे क्या? ऑब्वियसली वो एक्सटेंड कर रहा है ना, तो उसके फीचर्स आगे लेके जा रहा है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? वो एक्सटेंड करेगा, फाइन। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? सो नाउ इलेवेंथ, इंटरफेस इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, ये स्टेटमेंट बताओ। यस, इंटरफेस इंप्लीमेंट्स इंटरफेस से एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, इज इट करेक्ट? ट्रू और फॉल्स? राजेश इज सेइंग ट्रू, ओके, ठीक है। अश्विन इज सेइंग ट्रू, ओके, ठीक है। प्रणाली इज सेइंग ट्रू, ओके, दर्शन इज ऑल्सो सेइंग ट्रू, ओके। सो अभी मुझे बताओ, इंप्लीमेंट्स एंड एक्सटेंड्स, ये जो दो कीवर्ड्स है, ओके, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, एक्सटेंड क्या करता है, क्लास में आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहने दो, कॉन्क्रीट मेथड रहने दो, उसके सारे फीचर्स को एक्सटेंड करके लेके जा रहा है, राइट, आगे वाले चाइल्ड क्लास में, ओके। नाउ इंप्लीमेंट्स क्या करता है? क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट करता है यानी कि क्या करने वाला है? बॉडी लिखने वाला है, राइट? ठीक है? नहीं, वो क्या करेगा? बॉडी लिखेगा। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, तो इस इंटरफेस में हम
कॉन्क्रीट मेथड्स लिख सकते हैं क्या? ओवरराइडन मेथड्स लिख सकते हैं क्या इंटरफेस में? देखो, सबने ट्रू बोला है, इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक तरह से। देखो यहां पे इंप्लीमेंट्स एक पब्लिक इंटरफेस, इंप्लीमेंट्स आता है क्या? इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस? कुछ भी नहीं दे रहे हो, आगे आएगा ही नहीं, बोलेगा वो इंटरफेस टू। देखो ये क्या कहता है, सॉरी एरर टोकन इंप्लीमेंट्स एक्सटेंड्स एक्सपेक्टेड। क्या बता रहा है? इंप्लीमेंट्स एक्सटेंड्स एक्सपेक्टेड। यहां पे तो एक्सटेंड्स कर दैट इज एक्सपेक्टेड है, बट तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, राइट? समझ में आ रहा है डिफरेंस एवरीवन? इंप्लीमेंट्स यानी कि क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस में आपने जो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन इंटरफेस में एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट अगर करेगा तो उसमें बॉडी लिखना पड़ेगा। और इंटरफेस में बॉडी लिख सकते हैं क्या हम? नो, वी कांट राइट बॉडी, राइट? तो वहां पे वो 100% अब्स्ट्रक्शन कैसे अचीव करेगा? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? एवरीवन समझ में आ रहा है? तो अभी बताओ, इंटरफेस इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, राइट? गुड। नाउ द लास्ट वन, ये फॉल्स, ये नहीं चलने वाला, रेड कर दे। रेड यानी कि क्या? गलत है। ओके, नॉट 12, इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस 1, इंटरफेस 2। लास्ट स्टेटमेंट, द लास्ट कॉम्बिनेशन, ये चलेगा क्या? यस, ये चलेगा क्या? इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस 1, इंटरफेस 2। देखो रेफरेंस ले लो, पहले का रेफरेंस क्या कहता है यहां पे? 10 नंबर, 10 नंबर क्या कहता है? इंटरफेस एक्सटेंड इंटरफेस ट्रू है, वो हमने ग्रीन में रखा है, राइट? यानी कि ट्रू है वो। तो यहां पे आगे इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस 1, इंटरफेस 2, तो यानी कि दो इंटरफेस यहां पे। लेट मी क्रिएट वन फ्लोटिंग पॉइंट, हाँ, लेट मी क्रिएट वन इंटरफेस, इंटरफेस 3। ओके, तीसरा इंटरफेस हमने बना लिया, और इंटरफेस 1 एक्सटेंड्स इंटरफेस 2, इंटरफेस 3। डू वी हैव एनी एरर हियर? नो, राइट? यानी कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस आप क्या कर सकते हो, सॉरी इंटरफेसेस आप एक्सटेंड कर सकते हो एक इंटरफेस के साथ, राइट? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? देन दिस बिकम्स ट्रू। समझ में आ रहा है सबको? यस, यहां तक इंटरफेस सबको समझ में आ रहा है?
एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? एनी डाउट्स ऑन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रक्शन? सबको समझ में आ रहा है ये डिफरेंस? देखो ये कॉम्बिनेशंस ना सिर्फ लॉजिकली याद रखो, रट्टा नहीं मारना है हमें, ओके? रट्टा नहीं मारना है, ये रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं, ओके? करना क्या है, इम्प्लीमेंट करके देखो आप, प्रैक्टिकली करके देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उसके पीछे, तो आपको पता चलेगा अरे ये चीज तो होता ही नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? ऑडिबल हूं ना मैं सबको? आई एम ऑडिबल टू ऑल? ओके, यहां तक अगर सबको समझ में आ चुका है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं, रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा, हाथ में जो काम लेके बैठे हो बाजू के, दूसरे काम अगर रहेंगे तो वो छोड़ दो। रिप्लाई आई एम एक्सपेक्टिंग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक सिनारियो है, ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ओके, तो ये रियल टाइम यूज होते हैं, ओके? एक्चुअली ये सारी चीजें इंडस्ट्री में 101% यूज होते हैं, ऐसे नहीं कि ये यूज नहीं होने वाले, इसके बिना एप्लीकेशंस बनते नहीं, प्रोजेक्ट बनते नहीं, ओके? तो लेट्स कंसिडर, अश्विन ने क्या किया एज अ डेवलपर, ओके? एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस के अंडर उसने 10 मेथड्स डाल दिए, ओके? अभी 10 मेथड्स डालने के बाद यहाँ पे कुछ डेवलपर्स हैं, ओके? लेट्स कंसिडर, ये हमने किसे बताया था? अश्विन ने, ओके? ये इंटरफेस बनाया, ओके? तो क्या हो गया, अमर है, देन राजेश है, पूजा है, तो विल हैव अ डिफरेंट डेवलपर्स। उन्होंने क्या किया, इस मेथड इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, ओके? इंप्लीमेंट किया, फाइन, इंप्लीमेंट किया। तो अभी क्या हो गया, अश्विन कंपनी छोड़ के चला गया, स्विच मार दिया बंदे ने, अच्छा पैकेज मिल गया 20-25 लाख का, उसने छोड़ दिया। तो ये जो इंटरफेस है, हैंडओवर किया गया, यानी कि इसका कंट्रोल अभी दिया जा रहा है दर्शन को, ओके? नाउ दर्शन वांट्स टू ऐड वन मेथड, एक फंक्शनैलिटी उसको चाहिए, ओके? तो ये जो इंटरफेस में उसने ऐड किया, तो इज इट मैंडेटरी टू इंप्लीमेंट दैट मेथड टू अमर, राजेश एंड पूजा? सब इन तीनों को मैंडेटरी है क्या? अगर इस बंदे ने एक मेथड ऐड कर दिया है यहाँ पे, जो कुछ भी मेथड ऐड कर रहा है इंटरफेस में,
तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन रहा है अपना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो इन तीनों को वो इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है क्या? यस। क्या लगता है? राजेश इज सेइंग नो। ओके, राय सिंह नो। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ तो भी बोलो बाकी लोग, नहीं तो इम्प्लीमेंट करके बताओ। देखो हमने क्या कहा, ये मैं हटा देता हूं, इंटरफेस वन। ओके, मैं थ्री हटा देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, इंटरफेस वन है। ओके, और यहाँ पे ए एंड बी दो मेरे पास क्लासेस है। ठीक है। नाउ लेट मी मेक दिस नॉर्मल क्लास, नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, यानी कि क्या कर रहा है, क्लास ए इंप्लीमेंट्स इंटरफेस वन। ओके फाइन, क्लास बी इंप्लीमेंट्स इंटरफेस वन, और इंटरफेस वन में क्या है, एम वन। तो अभी प्रोजेक्ट बनने के बाद एक नया रिक्वायरमेंट आया। ओके, वहां पे एक नया फंक्शनलिटी आपको ऐड करना है। वहां पे उसने एम टू डाल दिया, राइट। एम टू उसने ऐड कर दिया, तो वो चलेगा क्या? देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ए और बी को। एरर आ रहा है ना यहाँ पे, क्या बोलता है, एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, राइट। एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, यानी कि जबरदस्ती हो रहा है यहां पे, तो ठीक ही नहीं, जबरदस्ती का उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शनैलिटी ए को इंप्लीमेंट नहीं करना है और बी को भी इंप्लीमेंट, चलो बी को इंप्लीमेंट करना है। ओके, बी को इंप्लीमेंट करना है और ए को नहीं करना है, लेकिन ए ने क्या किया, इसको ऑलरेडी एक्सटेंड इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहां पे उसको मैंडेटरी बोल रहा है, तो सॉल्यूशन क्या देगा फिर, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? क्या बनाए इस मेथड को, हम प्राइवेट बनाए, पब्लिक बनाए, प्रोटेक्टेड बनाए, क्या बनाए इस मेथड को, जो कि इस क्लास को मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ओके, तो जावा 8 में, ठीक तरह से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, 101% दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, इंटरफेस में जो भी मैं एक नया मेथड ऐड करूंगा, तो इज इट इज मैंडेटरी टू ऑल अदर इंप्लीमेंटेड क्लासेस, उस इंटरफेस को जिसने इंप्लीमेंट किया है उसको मैंडेटरी बन जाएगा कि वो मेथड इंप्लीमेंट करे। ओके, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, तो जावा 8 ने क्या किया भाई, इसको ना हम डिफॉल्ट मेथड बना देते हैं। ओके, और इस डिफॉल्ट मेथड को हम कॉन्क्रीट मेथड बना देते हैं। ओके, तब चलेगा क्या, डिफॉल्ट इज अ टोकन। तो ये जो है जावा 8 का फीचर है, कौन सा है, जेडीके, जावा 8। तो जावा 8 में क्या कहता है, यहां पे तुम एक काम करो, डिफॉल्ट ओके वॉइड एम वन बनाओ, सॉरी एम टू बनाओ। ओके, अरे डिफॉल्ट है वॉइड नहीं, सॉरी। हाँ, तो डिफॉल्ट मेथड बनाओ, डिफॉल्ट का डी ऐसे क्यों, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, डिफॉल्ट वॉइड एम वन। ओके, ये
कोड क्यों नहीं कर रहा? इट्स जावा 8 डिलीट दिस टोकन बोल रहा है। नो एक्चुअली विल हैव जस्ट अ मिनट, इसके प्रॉपर्टीज में जाके लेट मी चेक, रन डीबग रिस्टोर। कंसोल में यहाँ पे क्या बता रहा है ये, पैरामीटर मेन क्लास जावा सी प्रोग्राम जेडीके 1.8, 1.8 ही है, बट व्हाई इट्स नॉट सपोर्टिंग? सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा बिकॉज डिफॉल्ट इज अ मेथड जो कॉन्क्रीट मेथड हम बना सकते हैं इंटरफेस में, नया फीचर दिया हुआ है एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू अदर क्लासेस टू इम्प्लीमेंट दिस, ये वाला मेथड। तो डायरेक्टली बॉडी यहाँ पे दे सकते हैं, आई विल चेक लेटर कि इस में वो एरर क्यों आ रहा है, आई विल रिजॉल्व दैट वन। ओके बट मीनवाइल ध्यान में रखो कि डिफॉल्ट मेथड एक जावा 8 का न्यू फीचर है जो कि हमें यहाँ पे कॉन्क्रीट मेथड बना सकते हैं। ये कॉन्क्रीट मेथड लगेगा हमें, बट दिस इज नॉट द कॉन्क्रीट मेथड, इट्स एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि इम्प्लीमेंटेड रहेगा। दोनों भी एकदम कॉन्ट्रास्ट बन रहे हैं आप, सारे कंसेप्ट अब्स्ट्रैक्ट भी बोल रहे हो और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऐसे कैसे चलेगा? अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो उसको बॉडी नहीं होता, राइट? तो ये कॉन्क्रीट मेथड है, इंटरफेस में तो कॉन्क्रीट मेथड नहीं होता, बट ये एकदम अपोजिट विचारों के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके लेकिन जावा 8 ने ये फीचर दिया है, इट्स अ न्यू फीचर कि वहां पे हम कॉन्क्रीट मेथड बना सकते हैं। विल सी दिस इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। ओके क्या इश्यू मैं देखता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, बट वी कैन राइट द मेथड विद द बॉडी इन अ इंटरफेस। ओके Meanwhile, let me remove this. क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है पे एल चेक। ओके सो यहां तक गाइस एनी डाउट्स? यहां तक किसी को डाउट्स नहीं रहेंगे मोस्टली? ओके सो कल इंटरफेस अपना फिनिश हो जाएगा। ओके एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाय टुमारो। ओके तो यहाँ तक हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, ये जो कॉम्बिनेशन हमने करके देखे हैं, ओके ये सारे चीजें करके देखो, दिमाग से नहीं जाने चाहिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन से 101% आपको पूछेंगे, आना ही चाहिए सब। ओके फाइन देन, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है देन विल स्टॉप हियर, इज दैट ओके? हाँ सर इक्लिप्स में ये सोच नहीं, क्या टेल मी कोड रन नहीं हो रहा? कौन सा वाला कोड रन नहीं हो रहा? यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन? कैन आई शेयर? ओके या हाँ, मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड इन 10 मिनट्स। हाँ जल्दी करो, हाँ रिमेनिंग टाइम ठीक है। शेयर योर स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। हाँ वो वहाँ पे ये दिख रहा है, एक्चुअली पॉपअप दिख रहा है। और उसको क्लोज कर दो, क्या है पता नहीं चल रहा। हाँ क्या रन नहीं हो रहा, विच वन? हाँ अरे ये कैसे रन करोगे आप, यू हैव टू रन द मेन क्लास राइट? मेन कहाँ पे लिखा हुआ है? गो टू द मेन क्लास। हाँ मेन
यहाँ पे देखो क्या बता रहा है वो, पब्लिक क्लास, मेन क्लास, मेन क्लास में माउस ओवर करो, वहां पे देखो कितने सारे एरर्स बता रहे हो, क्या बता रहे हो। हाँ हाँ तो मेन क्लास जो है ना त्यामध्ये, हाँ तिथे घेऊन जाओ, काय म्हणतोय तो बघा, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड फॉर द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके काय केलं तुम्ही असं, जस्ट रिमूव दॅट माउस, माउस काढा बाजूला, ते जस्ट ट्राई किया था। हाँ वही तो, ट्राई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड क्लास, कैन गो टू द चाइल्ड क्लास, गो टू चाइल्ड डॉट जावा, मेन क्लास रन करना है क्या? हाँ यस ऑब्वियसली, हमें मेन क्लास ही रन करना पड़ेगा ना। एक काम करो, नो नो शेयर योर स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। हाँ डबल क्लिक करो चाइल्ड पे, एक काम करो अभी चाइल्ड पे जाओ, राइट क्लिक करो और क्लोज ऑल कर दो, क्लोज ऑल करो। ओके नाउ लेट्स गो टू द फाइल, क्रिएट ऑन जावा प्रोजेक्ट। टेस्ट, हाँ ओके फाइन, छोड़ दो फिनिश। ओके हाँ नाउ लेट्स लेट्स गो टू द टेस्ट, राइट क्लिक करो, एक पैकेज क्रिएट करो। नहीं, टेस्ट टेस्ट प्रोजेक्ट है ना वहां पे, प्रोजेक्ट पे एक्सप्लोर किया, हाँ राइट क्लिक ऑन दैट, न्यू क्रिएट पैकेज। कौन सा देख रहे हैं हम, आप इनहेरिटेंस का बना रहे हो राइट, इनहेरिटेंस दे दो उसको, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बोलो। बस फिनिश करो। ओके हाँ नाउ राइट क्लिक करो उस पैकेज पे।